यहूदा की पत्री पहला अध्याय। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्ग दूत मिकाइल ने, जब वो शैतान से मूसा की लोत के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो दो बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। और हनोक ने भी, जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करने वाले होंगे जो अपने अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फुट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अति पवित्र विश्वास में
अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो और उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धार कर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग रहे। आमीन।